टीम इंडिया को बैटिंग करने को कहा है, यहां पर कहीं मैच तो नहीं गिफ्ट कर दिया बैटिंग के साथ साथ? आपका क्या कहना है कि टीम इंडिया पहले बैटिंग? पार्टली एग्री विद आकाश, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ओपिनियन चेंज करूंगा आकाश से जी, क्योंकि जिस तरह रिएक्शन दे रहे थे पैट कमिंस, वो ये देख रहे हैं कि हालात कंडीशन शाम को ठीक नहीं है जी। शाम को यहाँ पे चेस हो रहा है और वो ये भी देखते हैं कि हमने 300 प्लस चेस करना है, यही देख के उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, ये कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने आप पे दिखाया जी। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वियर्ड डिसीजन, बिकॉज बड़ा केयरफुली वो कल से मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हैं कौन सी विकेट देंगे कौन सी नहीं देंगे। तो आई थिंक इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, आई थिंक ये विकेट वो नहीं खेलेगा जो हिंदुस्तान अपने लिए तैयार किया था, मसलन बॉल रुक के आएगा, ब्रेक होगा, बल्ले पे आएगा नहीं, खुली शॉट लगेगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इतना हाई स्कोरिंग गेम, आई डोंट नो यार, कुड बी रॉन्ग, लेकिन बट ये बाय द लुक्स ऑफ इट, बाय द सिलेक्शन ऑफ द टॉस, उससे मुझे ये लगता है कि इट्स गोना बी अ टफ गेम नाउ, इट्स गोना बी अ टफ गेम। क्या ये भी रीजन हो सकता है आकाश भाई, शोएब भाई, आप दोनों से जानूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब पहला मैच हुआ था इस वर्ल्ड कप में, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करके सिर्फ 199 पर ऑल आउट हो गया था और वो मैच फिर बना ही नहीं, ऑल्दो टीम इंडिया ने बना दिया था मैच जल्दी जल्दी 3 आउट होकर। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर हमने पहले बैटिंग करी और अगर हमारी बैटिंग क्लिक नहीं करी इस बॉलिंग के आगे, तो यहां पर मैच लंबा हम नहीं खींच पाएंगे, तो इससे अच्छा यह है कि इंडिया को पहले बैटिंग कराएं और फिर, क्योंकि हमारी बैटिंग में डेप्थ है, हमारे पास वो बैट्समैन हैं जो रन को कूटते हैं, तो वहां पर उनके पास बेस्ट चांस ये है। क्या ऑस्ट्रेलिया का वाकई में बेस्ट चांस यही तो नहीं था आकाश भाई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, बेस्ट चांस ये था टॉस जीतो बैटिंग करो जी। बाद में चेज करती हूँ, मुझे टीम नहीं दिख रही है, ऑनेस्टली नहीं दिख रही है, क्योंकि ये वो बैटिंग नहीं है। बैटिंग ना, आप जब चेज कर रहे होते हैं ना, पहले बैटिंग कर रहे होते हो तो हो सकता है कई बार आपको ना विदाउट प्रेशर आपको बहुत जगह जॉश इंग्लिश से भी रन मिल जाते हैं जी, क्योंकि आप पहले बैटिंग कर रहे हो। अभी इसी टीम ने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पिच अभी ईडन गार्डन से मिली थी, वहां तो भारत जैसी कोई गेंदबाजी भी नहीं थी, उसके बावजूद आपने उनको देखा कि एंड में जाके मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को रन बनाने पड़े थे, तब जाके आप क्रॉस द लाइन कर पाए थे। छोटा सा टोटल 229 रन ही थे, बहुत ज्यादा रन नहीं थे, उतने कम रन तो भारत नहीं बनाएगा पहली बात। उसके बाद अगर भारत वहां पे पहले एक्चुअली बॉल स्विंग विंग हो रहा था, क्योंकि अंडर कवर्स थी पिच, यहाँ कोई अंडर कवर्स नहीं है, फुल ठीक ठाक धूप निकली हुई है, तो मेरे को तो लग रहा है कि चलो मान लिया अगर नहीं भी बनते 325 तो भी 300 तो बनेंगे, और 300 चेज नहीं होते ये टीम, क्योंकि स्टीव स्मिथ का फॉर्म, मानस लाबुशेन का फॉर्म, उसके बाद आपके पास जॉश इंग्लिस का करंट फॉर्म नॉट कन्विंसिंग इनफ ऑनेस्टली। और फाइनल में क्या मतलब, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क अगर चेज करने आने की बारी आ जाती है तो कहानी बहुत अलग होगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं वैसे। लग रहा है कि ये पहले बैटिंग नहीं करना, आई मीन मेरे हिसाब से तो भारत के पक्ष में बात है, तो भारत पहले बैटिंग करे और खत्म ही कर दो ना मैच को। और मैंने खुद भी बोला कि भाई मेरे को तो बैटिंग ही करनी। और एक और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात अगर